माई यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ मेरा ब्लॉग आज शाम से शुरू हुआ था, तो एचवी थोड़ा सामान लेके आए थे, चना और ये फ्रूट्स ये सब लेके आए थे, क्योंकि सुबह का दाना चारा हो गया था ख़त्म, तो वही सब लेके आए थे। तो खाली कर रहे थे, और यहाँ खाली करने में मेरा हेल्प कर रहा था मेरा बेटा। और ये देखो डिब्बे में अनार डाल रहा है। इसको ना जो अगर मना करोगे ना कि रोकोगे ये नहीं करना है, तो वो वही करेगा। तो यहाँ देख सकते हो इसी में डाल रहा था, मैं बार बार मना कर रही थी लेकिन फिर भी। और इसको भी थोड़ा जुखाम है ना, तो बोल रहा था मम्मा अनार खा लें, तो जुखाम की वजह से ना नहीं दिए थे, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा भी था, बोल रहा था फेंक देंगे सब। और यहाँ मैं जो सुबह खाने के लिए है ना, वो थोड़ा भिगा भी दूंगी, क्योंकि अक्सर मतलब ऐसा होता ना कि भूल जाओ, सोचो अगर बाद में भिगा देंगे तो भूल जाते हैं। मेरा तो भूलने का ना सबसे बड़ी बीमारी है, तो मैं फटाफट से भिगा दूंगी चने और क्या बोलते हैं किशमिश भिगा देंगे। और यहाँ लड्डू गोपाल का बिस्तर लग गया था, मैं बेड नहीं मंगवा पाई हूँ लड्डू गोपाल का, इसके लिए क्या बताएं, ऐसा हो जाता है ना कि हाँ नहीं मंगवा पाए। अब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कर दें, कि क्योंकि बोले सोचे थे ना कि यहीं से कहीं मंगवा लेंगे, तो नहीं मंगवा पाए, और अब सोच रहे हैं ऑनलाइन कर दें तो आ जाएगा। और ये रही गैया मैया, और यहाँ लड्डू गोपाल का बिस्तर लगा दिए थे, अब सिर्फ उनको दूध पिला के सुलाना है, तो अभी वो मम्मी कर देंगी। और यहाँ देख सकते हो मेरे घर पे पढ़ाई होती है ना, तो ऐसे ही होता है, बैग इधर, बुक उधर, पेंसिल उधर, शॉर्पनर उधर, रेजर उधर, मतलब इधर उधर सब पड़ा ही रहता है, और कहीं एक शांति से मेरे बच्चे पढ़ाई करने वाले नहीं हैं। और यहाँ ना पैर में थोड़ा सा चोट लग गया था, देख सकते हो नेल भी टूट गया है, और नेल टूट जाता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये ना दरवाज़ा लग गया था, दरवाजे से अभी अभी लगा है, मतलब ब्लड नहीं आया लेकिन फिर भी दर्द बहुत हो रहा था। और यहाँ बिखरा पड़ा है, तो पूरा सामान मैं सेट करूँगी। यहाँ सब लोग, हीटर जल रहा है, बेटू बेटू रहने दो, अभी आंटी मारेंगी, रहने दो, रोटी धर। हेलो करो, हेलो करो, हेलो उसके अंदर से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ठंडी बहुत है ना बेटू? ठंडी बहुत, ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं है, गर्मी है, गर्मी है। तो स्वेटर निकाल दो, टोपी निकाल दो, ठीक है, ना निकालो, ना निकालो। और हम और मानस यहाँ हैं, बैठे हैं छोटी के कमरे में, क्यों? आंटी के कमरे में, आंटी के कमरे में। रोटी सब्जी लेके आओ, खाओ रोटी दाल, दाल रोटी खाओगे? दाल रोटी खाओ, प्रभु की गुड़ गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु की दिन खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु की दिन खाओ, प्रभु की दिन गाओ, दाल रोटी खाओ, ये दिन खाओ, प्रभु के गुड़ गाओ, दिन नहीं प्रभु के गुड़ गाओ, क्या गुड़ खाओ, गुड़ खाओ नहीं गुड़ गाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ कहता हूँ। तो क्या? आप लोग मेरा ब्लॉग फॉलो आज करिए, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, और मेरे और मेरे बेटी की बॉन्डिंग कैसी लगी। दाल रोटी खाता हूँ, ओम खाता है, और मैं सूखी भी रोटी खाता हूँ। सूखी रोटी भी खाते हो? आपको सूखी रोटी अच्छी लगती है ना? दाल, हाँ दाल। अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा, देख लिए। दाल भैया बड़े बकैया दाल भैया बड़े बड़े और यहाँ फिर नेक्स्ट डे मैं कुछ भी खेल रही थी, और नेक्स्ट डे मैं सब कुछ रेडी करके बच्चों के लिए रख दिए थे। बट इस टाइम मेरे बच्चे कुछ खाते नहीं, क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा वाला जुकाम हो गया है, तो सिर्फ हम ही लोगों को खाना है ये सब। और यहाँ मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, मानो का मन था कि थोड़ा सा खा लूँ ना, लेकिन नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा जिद करने में लगा था मम्मा थोड़ा सा ही खा लूँ, लेकिन देखो देखो हाथ से धीरे धीरे ना उठाने जा रहा था, लेकिन फिर भी मना कर दिया ना, तो फिर नहीं खाया। और फिर भी अगर बच्चे बोलते रहते हैं ना तो मन नहीं मानता है, फिर भी थोड़ा देना पड़ा, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है दोनों को, इसीलिए नहीं देते हैं। और फिर मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर,
कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। और यहाँ माँ बेटे का प्यार समझ लो भर भर के आ रहा था, क्योंकि जाना था इसको स्कूल और स्कूल जाना रहता है, तो ये बहुत प्यार लौटाता है कि ताकि मम्मी बोल देना कि बेटा आज ना जाओ। और देख सकते हो गुस्से में है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि ना आज मुझे नहीं जाना, इसीलिए गुस्से में था कि दद्दा नहीं जा रहे हैं तो हम क्यों जाएं। दद्दा का मतलब सबसे बड़ा कंपटीशन है कि अगर दद्दा जाएंगे, दद्दा जो करेंगे वही हम करेंगे। और देख सकते हो मेरी तरफ़ देख भी नहीं रहा, इतने गुस्से में है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और खाना भी नहीं खा रहा था, थोड़ा बहुत जो खाना रहता है ना वो भी नहीं खा रहा था कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और यहाँ हो गया था शाम, और देख सकते हो तितली मतलब फूल पे ना इस टाइम पे घर पे बहुत सारे फूल हैं, और तितली यहाँ बैठी थी और मैं थोड़ा रील्स भी बनाने लगी थी और वीडियो भी बना लिए थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। देख सकते हो आप लोग, मतलब जैसे जैसे मैं बोल रही थी ना उसका पंख ऐसे धीरे धीरे से उड़ रहा था ना, तो बड़ा प्यारा लग रहा था देखो। अरे मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करें। और वीडियो पे ना थोड़ा भी व्यूज नहीं आता है इसलिए मन नहीं करता है बनाने का, लेकिन फिर भी पीछे थोड़ी ना हटना है, ऐसे धीरे धीरे बनाते रहेंगे, कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे ही, मतलब उम्मीद नहीं छोड़े हैं। और आप लोग ऐसा कीजिए कि मेरी उम्मीद टूटे भी ना। और यहाँ मेरे बेटे आ गए थे तो उनके लिए मैं खाना गर्म कर रही थी, तो मैं खाना गर्म करके उसको दे दूँगी, बहुत थोड़ा थोड़ा ही, समझ लो इतने में ना दोनों जन खाएंगे, कितना खाएंगे। और वैसे शाम हो जाता है जहाँ आने में ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। और यहाँ इसकी फुल मस्ती चालू थी देख सकते हो, क्योंकि इसकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है, जब देखो जब फुल मस्ती में ही रहता है, किसको चिढ़ा दे कोई पता भी नहीं रहता है। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।